भारतीय जनता पार्टी ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में चलो गांव की ओर अभियान का सोमवार को विधिवत शुभारंभ किया। ऊना जिला के बीजेपी कार्यालय दीप कमल में आयोजित किए गए समारोह के दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। बीजेपी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के प्रथम चरण में हर बूथ से दो कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इस दौरान एक तरफ जहां पार्टी के आगामी कार्यक्रम और गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई, वहीं ग्रामीण स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई मुद्दों पर विचार मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दो महीने के अंदर जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हर बूथ से दो व्यक्तियों को जहां बुलाया गया है, बूथ के इंचार्ज और बूथ के पालक, तो आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के काम हैं उसमें एक तो त्रिदेव का सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर होगा, लगभग फरवरी महीने में हो जाएंगे, कई जगह मार्च में हो जाएंगे, और उसके साथ साथ दूसरा सम्मेलन हमारा होगा वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें 60 साल से उम्र ऊपर के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उन लोगों का सम्मेलन होगा। तीसरा सम्मेलन हमारा होगा जिन्होंने बीडीसी जिला परिषद प्रधान उप प्रधान वगैरह नगर परिषद वगैरह के चुनाव लड़े हैं और पिछले 20 साल में चुनाव लड़े हैं पार्टी की ओर से, उन सब लोगों को बुला करके एक सम्मेलन किया जाएगा। और इसी तरह से आने वाले समय में पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो हमारा 2800 लोग हैं उन लोगों का सम्मेलन होगा। और आज जो हम लोग अभियान शुरू कर रहे हैं चलो गांव की ओर, जो अभियान चल रहा है उसी कड़ी में अगले 3 दिन के अंदर अपने अपने गांव के अंदर जो जिन लोगों की ड्यूटियां लगी हैं, जिन लोगों को आज बुलाया है, जो वहाँ जो समिति हमारी बनी है बीजेपी की, उसकी मीटिंग करेंगे, उनको सर लैब के ऊपर डाउनलोड करेंगे। और इसके साथ साथ महिला मोर्चा आने वाले समय में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और महिला मंडल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और युवा मोर्चा जो आने वाले समय में चुनाव आ रहा उसके लिए जो हमारे युवा क्लब हैं गांवों के अंदर, उनको बीजेपी के साथ जोड़ेंगे, नए युवा क्लब रजिस्टर करवाएंगे। और एमपी का और चुनाव जब आएगा तो उस समय इन सब लोगों के सामूहिक प्रयासों से ज़्यादा लीड ऊना विधानसभा क्षेत्र से निकले, उसकी योजना बनाने के लिए आज सब जहां पर इकट्ठे आए हैं तो उसकी योजना इस तरह से बनाई गई है अगले 2 महीने के लिए।